फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नर्सिंग अकेडमी। न्यू वीडियो जिसका टॉपिक आज ब्लड कलेक्शन ट्यूब या सैंपल कलेक्शन ट्यूब्स। सो दोस्तों, आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे अबाउट द जो भी सैंपल कलेक्शन ट्यूब्स होती हैं उनके रिगार्डिंग, उसमें क्या क्या सैंपल्स जाते हैं, कैसे उनका प्रिजर्वेशन किया जाता है, क्या क्या उसमें एडिटिव्स होते हैं, इन सब के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। इस बार भी नो सेट में सैंपल ट्यूब्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में। जिस बंदे ने भी मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा, उसको समझ आ गया होगा कि ये टॉपिक भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना, ताकि बाकी मेरे नर्सिस भाई बंधु जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंची है उन तक भी वीडियो पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन से टाइप की ट्यूब्स अवेलेबल होती है इन हॉस्पिटल, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, 50 बेडेड है, 150 बेडेड है, 500 बेडेड है, कोई भी हॉस्पिटल है, सब में क्या होता है सैंपल कलेक्ट करने के लिए ट्यूब्स होती हैं। और वो कौन कौन से कलर की होती है, किस नाम से जानी जाती है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो टाइप ऑफ ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स की अगर मैं बात करूँ तो कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है। अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो सबसे पहले होती है ब्लू कलर ट्यूब, ब्लू टॉप ट्यूब होती है, एक रेड टॉप, येलो, या फिर उसको गोल्डन टॉप ट्यूब भी बोलते हैं, ग्रीन टॉप, लेवेंडर टॉप, ग्रे टॉप एंड ब्लैक टॉप, एंड एक होती है आपके पास जो किसी से किसी भी पर्सन का ब्लड कल्चर भेजने के लिए यूज की जाती है, दैट इज कल्चर बॉटल। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूब्स होती है जो हॉस्पिटल में यूज की जाती है सैंपल कलेक्ट करने के लिए। सो आज हम इन्हीं के रिगार्डिंग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ब्लू टॉप के, जिसको लाइट ब्लू कलर के नाम से देखा जाता है। ये आपको टॉप का कलर दिखा होगा, लाइट ब्लू कलर का है। इस टॉप का अनदर नेम की अगर मैं बात करूँ, किस नाम से कई बार जानी जाती है, सोडियम सिट्रेट के नाम से जानी जाती है, सोडियम सिट्रेट ट्यूब के नाम से भी ये जानी जाती है। ठीक है, अगर इसमें मैं एंटी कोगुलेंट की बात करूं तो इसमें क्या एंटी कोगुलेंट होता है हमारा, दैट इज 3.8% ऑफ या फिर 3.2% सोडियम सिट्रेट मिलता है। इस वायल में क्या मिलता है, सोडियम सिट्रेट। ओके, इसका जो सैंपल होता है, इसमें अमाउंट जो सैंपल का अमाउंट होती है वो कितना होता है, दैट इज वेरी 3 to 5 ml तक इसमें हम सैंपल डालते हैं या लेते हैं। और अगर मैं इसके प्रिजर्वेशन की बात करूं, इसके सैंपल को प्रिजर्वेट कब तक करके रख सकते हैं, तो 1 hour तक हम इसके सैंपल को प्रिजर्वेट कर सकते हैं आफ्टर सैंपलिंग। इसमें हम टेस्ट की बात करें कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो आपके जितने भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो सब इसी के द्वारा चेक किए जाते हैं, फैक्टर्स होते हैं वो सब इसी के द्वारा चेक किए जाते हैं, जैसे पीटी, पीटीएनआर, एपीटीटी, पीटीटीके, सब क्या होता है इसी के द्वारा चेक किए जाते हैं। तो दिस इज अबाउट द लाइट ब्लू ट्यूब। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेड टॉप ट्यूब, जिसको प्लेन वायल के नाम से भी जाना जाता है। प्लेन वायल के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी एडिटिव नहीं होता या फिर कोई भी एंटी कोगुलेंट इसमें नहीं डाला जाता, इसलिए इसको हम प्लेन वायल के नाम से जाना जाता है। दिस इज द रेड टॉप एंड दिस इज कॉल्ड प्लेन वायल। इसमें मेंशन भी होता है ये कौन सी वायल है, प्लेन वायल है। ठीक है, अगर इसमें टेस्ट की बात करें तो कौन कौन से टेस्ट इसमें परफॉर्म किए जाते हैं, कोई भी इम्यूनोलॉजी का, इम्यूनोलॉजी ड्रग्स की चेक करने के लिए एंड सीरोलॉजी को चेक करने के लिए ये मेनली चेक किया जाता है। सीरोलॉजी में आपका या फिर वायरल मार्कर, अगर किसी पेशेंट के चेक करने हो तो उस सैंपल में इसका यूज किया जाता है। वायरल मार्कर में आपके कौन कौन से आते हैं,
HIV, HCV, HBS कहते हैं अबाउट द येलो टॉप या जिसको गोल्डन टॉप के नाम से भी आप लोग जानते हो। येलो टॉप या गोल्डन टॉप के नाम से जाना जाता है। इसका अनदर नेम की बात करूं तो इसको SSI के नाम से भी जाना जाता है। SSI वायल, SST वायल, दिस इज टी नॉट आई। SST वायल के नाम से भी जाना जाता है। SST का फुल फॉर्म क्या? सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। इसको सीरम सेपरेटिंग ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने देखा होगा, दिस इज येलो या फिर गोल्डन कलर का भी बोल सकते हैं, और उस पर कहीं लिखा हुआ है SST, तो ये कौन सी वैल्यू हुई? SST वैल्यू है। अगर इसमें मैं एक्टिव एंटीकोगुलेंट की बात करूं तो जो इसमें एंटीकोगुलेंट डाला जाता है उसका नाम होता है क्लॉट एक्टिवेटर विद जेल। क्लॉट एक्टिवेटर होता है विद जेल। अगर आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे एक मार्किंग दिखाई दे रही है ऐसे, ये इस वायल में थोड़ा अलग सा कलर दिखा देगा। इतना सा इसमें क्या होता है, क्लॉट एक्टिवेटर होता है विद जेल की फॉर्म में, ठीक है। ये थोड़ा क्लाउडेड क्लाउडेड से फॉर्म में होता है। इसमें अगर मैं सैंपल अमाउंट की बात करूं तो इसमें हम 3 to 5 ml तक का सैंपल, सॉरी 3 to 4 ml तक का हम सैंपल इसमें लेते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम इसके अंदर ब्लड डालते हैं, ब्लड सैंपल हमने इसके अंदर पोर किया, डालने के बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो ब्लड का सीरम होता है वो इस एक्टिक्लोट एक्टिवेटेड जेल की वजह से क्या होता है, नीचे सेटल हो जाता है, और जो बाकी जो हमारा लिक्विड पार्ट है वो क्या होता है, ऊपर फ्लोट करता है। तो ऐसे क्या करता है, हम सीरम को सेपरेट कर देते हैं और जो भी हमें टेस्ट करना होता है हम उसको परफॉर्म करते हैं। तो अब आ गई बात टेस्ट की, तो उसमें कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो? तो आप किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, फॉस्फोरस, फॉस्फेट, कोई ट्यूमर मार्कर चेक करना है, ट्यूमर मार्कर्स हो गए, कौन कौन से ट्यूमर मार्कर्स हैं अगर आपको पता हो तो, जैसे PSA, CEA, CA125, CA19, तो ये सब क्या होते हैं, हम इसके द्वारा चेक कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द गोल्डन या येलो ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द ग्रीन टॉप ट्यूब। इसको हम हिपेरिन वायल के नाम से भी जानते हैं, हिपेरिन वायल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अगर इसमें मैं एक्टिवेटर की बात करूं, मतलब इन द सेंस एंटीकोगुलेंट की बात करूं, तो इसमें देखने को मिलता है हमें सोडियम हिपेरिन या फिर लिथियम हिपेरिन। दो चीज इसमें देखने को बोलती है, या तो सोडियम हिपेरिन मिलता है आप लोगों को देखने को, या फिर लिथियम हिपेरिन मिलता है। अगर इसमें सैंपल अमाउंट की बात की जाए तो डेट इज अबाउट 4 ml के करीब इसमें हम सैंपल डालते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे तो इसकी टॉप ग्रीन टॉप है, इस ये सोडियम हिपेरिन के नाम से जान जाती है, दिस इज सोडियम हिपेरिन, और इसमें सैंपल का अमाउंट बताया 4 ml तक इसमें हम सैंपल डालते हैं। अगर टेस्ट की बात करूँ तो कौन कौन से टेस्ट पर दिए जाते हैं, इसमें स्पेशल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, स्पेशल टेस्ट या फिर किसी का ट्रैक करना हो, एलिमेंट ट्रैक एलिमेंट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। स्पेशल टेस्ट में अगर मैं बात करूँ किसी पेशेंट का, अगर हमने बोन मैरो एग्जामिनेशन किया, बोन मैरो स्मियर एग्जामिनेशन किया, बोन मैरो स्मियर एग्जामिनेशन किसी भी प्रकार के ब्लड डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। अगर उसमें किसी पेशेंट का हम ल्यूकीमिया डायग्नोस करते हैं तो उसके दो सैंपल्स जाते हैं, जब कोई ल्यूकीमिया का सस्पेक्टेड होता है तो एक जाता है फ्लो साइटोमेट्री एंड एक जाता है आपका कैरियोटाइपिंग। तो ये दोनों जो सैंपल्स होते जाते हैं, स्पेशल सैंपल यूज सेंड इन द ग्रीन टॉप वायल, ठीक है। दिस इज अबाउट द ग्रीन टॉप वायल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लेवेंडर वायल। लेवेंडर वायल को आप इडीटीए वायल के नाम से भी जानते हैं, इडीटीए वायल के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो एंटीकोगुलेंट मिलता है वो क्या है, ईडीटीए है, इसी वजह से इसका नाम क्या है, ईडीटीए वायल है। ईडीटीए की फुल फॉर्म क्या, अगर मैं आप लोग को बात करता हूँ, ईडीटीए होता क्या है, इथाइल इथाइलिन डायमाइन टेट्रासिटेट एसिड। क्या फुल फॉर्म है, इथाइल डायमाइन टेट्रासिटेट एसिड के नाम से जाना जाता है। ईडीटीए की फुल फॉर्म क्या है, इथाइल डायमाइन टेट्रासिटेट एसिड, ठीक है। अगर इसके
जो अभी हम ग्रीन टॉप के सैंप, बीच में मैं आपको एक बार ये बता दूं, ग्रीन टॉप का जो सैंपल है उसका प्रिजर्वेशन अगर मैं बताऊं आपको वो कितने टाइम तक कर सकते हैं, दैट इज अबाउट, ये बीच में बताना भूल गई थी कि प्रिजर्वेशन कितने टाइम तक हम कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले बीच में यही बताया कि इसका प्रिजर्वेशन कितने टाइम तक कर सकते हैं, दैट इज अबाउट 5 days. नेक्स्ट हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे लेवेंडर वेल के रिगार्डिंग, तो मैंने आपको बताया इथाइल डायमाइड टेट्रासिटेट एसिड होता है इसमें एंटीकोगुलेंट, और उसके अगर प्रिजर्वेशन की बात करें सैंपल को तो ये सैंपल अप टू 24 आवर्स तक हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, बट इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -12 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. तो अगर आप इस वायल को देखोगे दैट इज लेवेंडर कलर और उस पर लिखा हुआ EDTA. अगर इसके सैंपल अमाउंट की बात करें तो कितना सैंपल अमाउंट होना चाहिए, दैट इज अबाउट 2 to 4 ml तक इसमें सैंपल जाता है. ठीक है, नेक्स्ट उसमें टेस्ट की बात करें तो कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं आपके, CBC, ब्लड ग्रुपिंग, आपका क्रॉस मैचिंग, मलेरिया पैरासाइट, HbA1c टेस्ट. तो ये सब टेस्ट क्या होते हैं, इसी में परफॉर्म किए जाते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्रे टॉप वायल के रिगार्डिंग, जो ग्रे टॉप वायल है उसका अनदर नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड वायल के नाम से भी इसको जाना जाता है, सोडियम, दैट इज सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है. इसमें अगर एंटी कोगुलेंट की बात की जाए तो इसमें आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड या फिर और आपको पोटेशियम क्लोराइड देखने को मिलेगा. अमाउंट बात की जाए तो 5 mg और 4 mg आपको देखने को मिलेगा. तो दिस इज अ ग्रे कलर ऑफ वायल, इसमें लिखा हुआ सोडियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम ऑक्सलेट, सॉरी फ्लोराइड बोला मैंने या ऑक्सलेट होता है, ये मिस्टेक हो गया, और कितने अमाउंट में होता है, 4 mg एंड 5 mg आपको देखने को मिलेगा. अगर इसके मैं टेस्ट की बात करूं तो इसमें मेनली हम ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, ब्लड शुगर हम चेक करते हैं प्री प्रेग्नेंट स्टेज है या पोस्ट प्रेग्नेंट स्टेज हो या कोई सी भी स्टेज हो, हम प्रेगनेंसी में भी इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, ब्लड शुगर चेक करते हैं. तो दिस इज अबाउट द ग्रे वायल, तो ये हमने ग्रे वायल के रिगार्डिंग डिस्कस किया. नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था एक ब्लैक वायल होती है, ब्लैक वायल किस लिए यूज की जाती है, ES सैंपल को यूज की जाती है, ESI के सैंपल की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के नाम से इसको जाना जाता है. ठीक है, इसमें मेनली हम ब्लड सेल को विद इन 1 आवर के अंदर हमें इस सैंपल पे टेस्ट लगाना होता है, विद इन 1 आवर के अंदर हमें इस पे टेस्ट लगाना होता है. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द ब्लैक वायर. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रोन की सैंपल, मान लो किसी पेशेंट के हमें 7-8 सैंपल बोले गए हैं तो उनको हमें किस ऑर्डर में ड्रॉ करना चाहिए, कि पहले सबसे पहले किस वायल में सैंपल लेना चाहिए, उसके बाद हमें किस वायल में सैंपल लेना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए. अगर हम उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम सैंपल ड्रॉ करेंगे तो कभी भी हमारे सैंपल की रिपोर्ट गलत नहीं आएगी या उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये गारंटी है. कई बार हमारा सैंपल लैब से वापस आ जाता है कि क्लॉट हो गया, वैल्यू डीरेंज आ गया, ये सब कुछ इसी वजह से होता है क्योंकि हम प्रॉपर टेक्निक और प्रॉपर ऑर्डर से हम सैंपल कलेक्ट नहीं करते. तो आज हम उसी के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर ऑफ ड्रोन कैसा होना चाहिए, कि सबसे पहले हमें कौन सा सैंपल लेना चाहिए, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा, और सबसे लास्ट में हमें कौन सा सैंपल लेना चाहिए अगर किसी पेशेंट के मल्टीपल सैंपल अलग एडवाइस किए गए, तो उसी के रिगार्डिंग हम डिस्कस करते हैं. तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो सबसे पहले हमें किसी पेशेंट का अगर कल्चर अलाउड भेजने के लिए बोला है कल्चर भेजने के लिए बोला है, तो सबसे पहले हम वही भेजते हैं पेशेंट का जब वो बैक्टिक कल्चर, ठीक है,
किसी पेशेंट का बैक्टीरियल कल्चर भेजने के लिए बोलता है, सबसे पहले हम कौन सा सैंपल लेंगे, कल्चर वाला, देन उसके बाद हम सोडियम सिट्रेट वाली वायल लेंगे। सोडियम सिट्रेट वाली वायल आपकी कौन सी थी, दैट इज ब्लू टॉप वायल लेंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं, तो हम लेंगे लेते हैं रेड वायल के बाद हम लेते हैं, दैट इज अबाउट SST वायल। SST वायल हमारी कौन सी होती है, येलो या फिर गोल्डन कलर की जो वायल होती है उसको हम लेंगे। देन उसके बाद ग्रीन टॉप वायल ली जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिपेरिन वायल। देन उसके बाद आपकी EDTA वायल आती है, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, लेवेंडर टॉप वायल। देन उसके बाद आपकी आती है सबसे लास्ट में, हम सैंपल किसका कहते हैं, ग्रे टॉप वायल का सैंपल कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड वायल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ ऑफ डिफरेंट। अगर किसी पेशेंट के बहुत सारे सैंपल, मल्टीपल सैंपल्स एडवाइस किए गए हैं, तो ये ऑर्डर होना चाहिए उनको ड्रॉ करने का, जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम कल्चर वाटर लेते हैं, देन सोडियम सिट्रेट लेते हैं, देन प्लेन वाल में सैंपल लेते हैं, उसके बाद हम SST वाल में सैंपल लेते हैं, देन हम ग्रीन वाल में लेते हैं, देन उसके बाद EDTA, और लास्ट में हम कौन सी वाल में सैंपल लेते हैं, ग्रे वाल में सैंपल लेते हैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, आप मेरे को आंसर पुट करना क्या होगा। अगर किसी पेशेंट का क्वेश्चन आपके पास, किसी एक्स नाम के पेशेंट का, एक्स नाम का पेशेंट है, उसके सैंपल एडवाइस से आपको PT, INR एंड ब्लड ग्रुपिंग और पेशेंट के आपको सीरम इलेक्ट्रोलाइट भेजने हैं एंड पेशेंट का ब्लड शुगर चेक करना है, तो आप इसको, आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है आपके पास, पहले आप सोडियम सीरम इलेक्ट्रोलाइट भेजोगे, देन ब्लड शुगर चेक करोगे, उसके बाद ब्लड ग्रुपिंग होगा, देन PTNR भेजोगे। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है बी, पहले ब्लड शुगर चेक करोगे, देन ब्लड ग्रुपिंग करोगे, देन PTNR करोगे, देन सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करोगे। ऑप्शन सी है आपके पास, आप पहले PTNR चेक करोगे, देन आप सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करोगे, देन ब्लड ग्रुपिंग चेक करोगे, देन ब्लड शुगर चेक करोगे। ऑप्शन डी है आपके पास, पहले आप सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करोगे, देन PTNR चेक करोगे, देन ब्लड ग्रुपिंग चेक करोगे, देन ब्लड शुगर चेक करोगे। तो आंसर पुट कीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। अभी मैंने आपको ये, आपके सामने ये है भी कैसे किस AI के में हमें सैंपल ड्रॉ करना चाहिए, और मैंने अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर पुट कीजिए। ये आपके AI की थी जो मैंने अभी आपको बताई है, इसको देखिए ध्यान से और आंसर पुट कीजिए, आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर होने वाला है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में क्या है, इसमें क्या क्या दिया आपका, PTNR मतलब ये जो कि सबसे पहले पे आएगी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट माने रेड वायल जो दूसरे नंबर पे आएगी, रेड वायल तो तीन ये हो गई, SST सीरम इलेक्ट्रोलाइट पे है मतलब रेड वायल दी, येलो वायल दी है जो दूसरे नंबर पे आएगी, देन ब्लड ग्रुपिंग पूछा गया है ये नहीं है, दैट इज EDTA वायल जो तीसरे नंबर पे आएगी, और आपसे पूछा गया ब्लड ग्लूकोज दैट इज शुगर दैट इज चौथे नंबर पे आएगी। तो आपका पहले नंबर पे क्या आएगा, PTNR दैट इज PTNR सेम इलेक्ट्रोलाइट ब्लड ग्रुपिंग एंड ब्लड शुगर हम चेक करते हैं, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया ऑर्डर ऑफ ड्रॉ कैसे होता है, कौन सी लैब में वैल्यू जाता है, और किस सैंपल का हम कितनी बार इन्वर्जन करते हैं। इन्वर्जन का मतलब आपको बता दूं मैं, इन्वर्जन का यहाँ मतलब है, मान लो ये एक वायल है, 1 मिनट, मान लो ये कोई वायल है आपकी, ये इसका टॉप है, देन दिस इज द वायल, ये कोई आपकी वायल है, मेरी ड्रॉइंग अच्छी नहीं है बट फिर भी मैंने कोशिश की है, इस वायल को इन्वर्जन मतलब एक बार इस वायल को नीचे की तरफ देन ऊपर की तरफ, इसको कितनी बार आपको रोटेट करना है, इन्वर्स करना है, एक बार नीचे एक बार ऊपर, इसको कितनी बार इन्वर्स करना है वो उसके बारे में आपको बताएंगे, ताकि सैंपल अच्छे से मिक्स हो जाए, सैंपल क्लॉट ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये करते हैं, उसमें जो भी एडिटिव है, जो भी एंटीकोगुलेंट है, वो पूरे सैंपल में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड कल्चर की, उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट ग्रोथ होता है, न्यूट्रिएंट ग्रोथ क्यों डाला जाता है उसमें, ताकि वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को हेल्प कर सके और हमें पता चले कि ब्लड में कौन सा इन्फेक्शन या बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है।
इसके सैंपल कहाँ जाता है? माइक्रोबायोलॉजी में जाता है। और इसका इन्वर्जन कितने टाइम तक करते हैं? 8 to 10 टाइम तक हम इसका इन्वर्जन करते हैं। देन सेकंड सैंपल नंबर पे हम ड्रॉ करते हैं लाइट ब्लू कलर की, जो सोडियम सिट्रेट वायल होती है, और ये कहाँ जाती है? हिमेटोलॉजी में जाती है कोगुलेशन चेक करने के। इसका इन्वर्जन 3 to 4 टाइम्स तक होता है। देन थर्ड आती है हमारी रेड टॉप वायल, जिसमें कोई एडिटिव नहीं होता, कंस्ट्रीम जाता है। इन्वर्जन की बात कर तो 4 to 5 टाइम तक इसका हम इन्वर्जन करते हैं। अगर नेक्स्ट उसके बाद आती है आपकी गोल्ड वायल, गोल्ड या फिर येलो कलर वायल भी इसको हम बोलते हैं, जिसमें SST होता है, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब होती है इसको। इसमें कहाँ भेजते हैं? बायोकेमिस्ट्री में भेजते हैं इसमें, जिसका भी इन्वर्जन 4 to 5 टाइम तक हम करते हैं। देन मिंट ग्रीन या डार्क ग्रीन होती है, जो आपकी सोडियम एंड लिथियम इपेरिन वाली वायल होती है, ये कहाँ जाती है? ये भी बायोकेमिस्ट्री में जाती है आपकी, और ये 8 to 10 टाइम तक आपको इन्वर्जन करना होता है। देन लेवेंडर आता है, लेवेंडर आपका कहाँ जाता है? एडिटिव वायल होती है, जो हिमेटोलॉजी में जाती है, और 8 to 10 टाइम तक भी इसका आपका इन्वर्जन करना होता है। देन उसके बाद आपकी ग्रे वायल आती है, जिसमें सोडियम फ्लोराइड होता है, और बायोकेमिस्ट्री में जाता है ये सैंपल, और ये 8 to 10 टाइम तक आपको इन्वर्जन करना होता है। देन एक ग्रे ब्लू कलर की वायल होती है, जिसमें एडिटिव मिलता है, टॉक्सोलॉजी के लिए होता है ये, मैंने 8 to 10 टाइम तक इसको भी इन्वर्जन करना होता है। तो ये मैंने आपको बताया ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है सैंपल्स का, और कैसे सैंपल में क्या क्या एडिटिव होता है, और कहाँ ये सैंपल जाता है, और कितने टाइम तक उसका इन्वर्जन करना है। तो मैंने आपको कंप्लीट डिस्कशन किया अबाउट द ब्लड ड्रॉन के रिगार्डिंग। देन तो दोस्तों इतना ही था आज की क्लास में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी मेरे बच्चे नर्सिस भाई बंधुओं के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करे, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपडेट करूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, या कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है, उसकी वीडियो आप चाहते हैं, उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं उसके जो भी मेरी तरफ से कोशिश हो सकती है, मैं उसकी अपना तरफ अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूँ उसके रिगार्डिंग। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, टेक केयर दोस्तों।